मैं बात करूंगा दो स्कैम के बारे में जो मेरे साथ हो चुके हैं। पहला तो मैं बताऊंगा कि आजकल जो फेसबुक पे पेजेस हैं कैमराज वगैरह के, उनके ऊपर आ रहे हैं सोनी महंगे कैमरे बेच रहे हैं जिनकी बॉडी खाली 2,80,000 रुपये की, मतलब 2.5 लाख से ऊपर की है, 30,000 में साथ लेंस भी दे रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने पोस्ट देखी तो उसने लिखा हुआ यार अंग्रेज़ी में के ऊपर, नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दें तो हम आपके साथ रब्ता करेंगे, खुद ना कंपनी आपसे रब्ता करेगी। मैंने दे दिया, मैं खुश हो गया भाई, 2.5 लाख की चीज़ 30,000 में और साथ लेंस भी, क्योंकि उसका एक लेंस 85,000 रुपये का है। व्हाट्सएप नंबर उनके नीचे कमेंट में डाला तो मुझे इंतजार करता रहा, कोई शाम को मुझे मैसेज आ ही गया। उन्होंने कहा जी आपको चाहिए, मैं कहा जी चाहिए, कहते हैं ठीक हो गया हम आपको भेज देंगे ना, तो आपने हमें तब पेमेंट करनी है जिस टाइम आपके पास पहुंचेगा कैश डिलीवरी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं भी इसी बता, क्योंकि मेरे साथ एक आगे हाथ हो चुका है, वो आपको बाद में कभी बताऊँगा। तो हुआ इस तरह कि मैंने कहा जी ठीक हो गया, मैं एग्री हो गया भाई, मैं खुश हो गया। मैंने कहा भाई मैं तो आपको भाई की वीडियो में शशके ही डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो हुआ इस तरह, मुझे वो कहते हैं यार आपको आपने डिलीवरी पे पैसे देने हैं। मैंने कहा ओके जी ओके हो गया। फिर बात करते करते मुझे कहते हैं भाई आपने 5,000 भेजने कार्गो के पहले। मैंने कहा भाई ये दाल में कुछ काला है, या दाल में काला है या दाल सावन के मौसम की है। मैंने कहा भाई नहीं। मैंने उस बंदे को इतना कहा है, इतनी मैंने उसकी मिनतें की, उसने भी मिनतें की, मैंने भी मिनतें की। मैंने कहा भाई मेरे पास आ गया तो मैं आपको 40,000 रुपये करूँगा, आप मुझे भेजें एक दफ़ा। कहते नहीं भाई। मैंने कहा यार आप 5,000 कार्गो फीस खुद से दें, ठीक है मैं आपको जब आएगा यहाँ पे कैमरा उसके भी 10,000 एक्स्ट्रा दूंगा, कार्गो फीस भी मैं आपको पे करूँगा वापस ना। वो कहता नहीं, मैं समझ गया फुदू सीन है। मैंने कहा उसे किया फ़र्क। जो दूसरा स्कैम है उसके बारे में बात करता हूँ, वो ये है कि आजकल अमेरिकन गोरियाँ जो है ना, गोरियाँ तो उनकी आईडी इस तरह से बनाती हैं, पीछे वो उनके गोरा ही कोई होता है। तो उन्होंने ना, उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे कहा जी ये पाकिस्तानी एक बंदा यहाँ पे जॉब करता था, उसकी हो गई है डेथ, ठीक है, तो उसको ना ये हमारी अमेरिकन गवर्नमेंट है इस दिन ना इतने पैसे इसके बनते हैं। तो वो जो डॉलर्स वो बता रही थी ना, डॉलर जो उसने बताए थे मुझे, तो वो ना वो भी कोई लाखों के हिसाब से थे भाई, लाख में वो डॉलर बता रहे थे कि इतने लाख डॉलर। मैंने उसका हिसाब लगाया तो वो आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तानी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 18 करोड़ रुपये बनते थे, 18 करोड़ रुपये। मैं मेरे जैसा बंदा तो ऐसी शलवार ढीली हो जाती है। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा जी ठीक हो गया। पहले तो मैं गोली देख के मैंने उसे कहा हाउ आर यू, मैं कब शब मारता था। मैंने कहा उसे लाइन पे आ जाए तो वो ग्रीन कार्ड बना के बाहर जाएगा, आपका भाई वहाँ पे ब्लॉग शॉप शूट करेगा, लेकिन वो वाला काम नहीं, क्योंकि उन्होंने ड्रामा करना था। मैंने कहा जी ठीक हो गया। कहते आप उसके पता नहीं रिश्तेदार बन जाना या कुछ भी ना, आप सारा प्रोसेस मैं करूँगी, आपने बस ये है कि आपने ना ओके करना है, आपसे मैनेजर कॉल पर बात करेगा, आपने उसे ओके करना है कि हाँ मेरा ही था। मैंने कहा ठीक है भाई, छोटा सा झूठ बोल लेंगे 18 करोड़ पे, तौबा कर लेंगे फिर। मैंने कहा यार मुझे लगी फिल्म, मैंने कहा यार फिल्म है ये, इसमें कोई ना। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं तैयार हूँ। मुझे फिर वो बताया कि कहती है पता कोई लॉयर फीस कह रही थी, पता नहीं गवर्नमेंट हमारी कहती है क्या ना, वो आपने पे करने हैं। और पेमेंट का जो था ना, वो जो 18 करोड़ रुपये थे वो ना हाफ पे, वो कहती है 50-50 करेंगे। मैंने उसे बताया कहा, मैंने कहा पता नहीं वो जो मुझे वो पेमेंट कह रही थी वो 6-7 लाख रुपये थी ना। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार 7 लाख रुपये के बीच 18 करोड़ रुपये छोड़ दूँ। फिर मैं चुप कर गया, मैंने कहा यार आप इस तरह करें, जो आपने हाफ पेमेंट मुझसे लेनी है ना, आप वो मुझे इस तरह करें कि आप उसमें से काट लें। वो नहीं मानी, बतेर माने कहा नहीं मानी। फिर आखिर में मैंने वो अंग्रेज़ी में 2-4 सुना के उसे ब्लॉक कर दिया। अच्छा इसमें ना मैंने दोस्तों से भी बात की थी, इन दोनों ये जो मेरे साथ स्कैम हुए ना, इसमें मैंने दोनों दोस्तों से बात की, दो दोस्त थे मेरे, उनसे मैंने पूछा यार मेरे साथ ये फिल्म हो रही है। उन्होंने पहले मुझे बता दिया कि फिल्म है। मैंने कहा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन वो मैं थोड़ा सा खुश हुई इस वजह से हुआ था कहीं से ओए कप्पी ने, जब बीच में कप्पी के आ जाते हैं। तो मैंने बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार एक तो कैमरा आ जाएगा, वो ख्वाब भी अधूरा हो गया, और एक 18 करोड़ रुपये। बरल भाई आप ये जो आजकल शुरू हुआ है फेसबुक पे खासतौर पर वो देखते हैं, ये शुरू हुआ है, आप इससे लाजमी बचें, और कोई आपके इर्द गिर्द है तो लाजमी उसे बताएं। और ये जो ऑनलाइन सर्विस आजकल हुए ना, सिर्फ फ्री लॉन्सिंग के अलावा और सब ऑनलाइन जो है ना कमाई वाला सारा फ्रॉड है, तो इस चीज़ से बचें और अपनों को भी बचाएँ और ख़ुद भी बचें। और बस अल्लाह हाफिज़, में अब खड़े आ गए आगे।